बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हकूमत ब मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, फड्डा तो पड़ चुका है, अब बस ये हंडिया बीच चौराहे फूटने का इंतज़ार है और यूं लग रहा है कि इसकी जानिब भी कदम उठ गया है। नून लीग ने ताकतवरों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, ताकतवरों के एक फ़ैसले पर कांटा लगा दिया गया है नून लीग की जानिब से, और पब्लिकली आके स्टेटमेंट भी दी गई है। ये स्टेटमेंट भी पब्लिकली इसलिए दी जा रही है ताकि ताकतवरों का रास्ता रोका जा सके। किस चीज़ में, ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की एक बहुत बड़ी विकेट उड़ाई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल्स की खबरें मैं देख रहा था कि पीटीआई को अब तक का सबसे बड़ा झटका। अब इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, कितना बड़ा झटका लगा है पीटीआई को, और नवाज शरीफ के हवाले से भी चीज़ें वाजे होती जा रही हैं। और नवाज शरीफ के हवाले से जो मैंने खबर दी थी कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जस्टिस उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है वो खदशा भी अब इनकी ज़ुबान पे आ चुका है और इस खबर की कम से कम तस्दीक हो चुकी है कि चीफ जस्टिस के होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। होपफुली चीफ जस्टिस के होते हुए इमरान खान पर भी शायद हाथ ना डाला जाए। ये मामला है क्या, इसे भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट के लिए 62 अरब रुपये के फौरी इजरा की मंजूरी पर रद्द अमल का इजहार किया। तर्जमान पीटीआई के मुताबिक 3 हफ्तों की मेहमान सरकार कौमी ख़जाने के जरिए इंतखाब लूटने की एक कोशिश कर रही है। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि ये इकदाम IMF और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। पीटीआई का कहना था कि कौम महंगाई, बेरोज़गारी और तेज़ तरीन मुआशी तबाही के बोझ तले कुचली जा रही है। हकूमत ने रवां माली साल, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके पहले 15 दिनों में ही तकरीबन 959 अरब रुपए के हकूमती तरक्याती प्रोग्राम्स में से 142 अरब 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 20 अरब 26 करोड़ रुपए गुज़श्ता साल के बजट में वापस किए गए थे, ये भी उनको जारी कर दिए गए हैं। यानी अब तरक्याती काम ज़ोरों शोर से हो सकेंगे और कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करके लोगों का नैरेटिव या लोगों की सोच बदली जा सके। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि इससे इनको कोई कामयाबी हासिल होगी, और इन तिलों में तेल नहीं है, आवाम इनकी हकीकत पहचान चुकी है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का बड़ा धचका, इंतहाई अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। खबर खोली तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गुजर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी ने पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गुजर के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें खुशामदीद कहा, और उन्होंने कहा कि मुल्क भर से सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद है। इन्होंने कहा कि हर इलाके से कादावर शख्सियात पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिशमंद हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क्यादत में खुशखबरियाँ मिलेंगी। अब ये खबर है क्या, मतलब खान साहब को इससे बड़े बड़े लोग छोड़ गए और वो खबर ना बन सकी, वो पीटीआई को झटका ना दे सकी, पीटीआई को बल्कि जो खान साहब को छोड़ने वाले थे उनको धचके लगे, खान का साथ छोड़ने वाले निशाने इबरत बने, उनकी सियासी जमातें बनने से पहले उजड़ गईं, उनकी सियासत तबाह हो गई, उनकी सियासत का भट्टा बैठ गया, उनकी सियासत दबड़दूस होकर रह गई, तो ये झटका नहीं है। आप ये कह लें कि पीटीआई की एक विकेट गिर गई, लेकिन ये कहना कि पीटीआई को अब तक का सबसे बड़ा धचका, तो इस तरह की हेडिंग जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए होती है जो मीडिया आउटलेट्स करते हैं, ताकि इससे लोगों को पता चले कि पता नहीं पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। फिर वही बात के खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं नवाज शरीफ की, जो कि पाकिस्तान की सियासत में वाहिद शेर हैं, बाकी सारे बुजदिल हैं। बिलखसूस इमरान खान से बड़ा बुजदिल तो मरियम नवाज के बकौल जिंदगी में नहीं देखा, जो केसेस के डर से जमानत फर्क में छुपा बैठा है। शेर वो होता है जो अपनी बेटी को पीछे छोड़ के और अपने सारे मामलात पीछे छोड़ के, बेटी को जेरे हिरासत छोड़ के, बीमारी का बहाना बना के बाहर चला जाए, और इतना बहादुर हो कि उससे ज़्यादा किसी सियासतदान को मौजूद सिचुएशन नहीं मिल सकती कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मतलब नवाज शरीफ अगर अब भी वापस नहीं आ रहे, भाई की हकूमत में वापस नहीं आ रहे, तो नवाज शरीफ की बहादुरी पे शक होता है।
वही बात है कि चीफ जस्टिस का डर है, मतलब सबको साथ मिला के खेलना है, हर इदारे में बैठा हुआ एक एक शख्स, अगर उस पर शक है इस शेर को, इस नडर लीडर को, तो ये पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। अब आप देखें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारी इसी खबर की तस्दीक की है जिसमें हमने आपके सामने रखा कि नवाज शरीफ शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के डर से नहीं आ रहे और उनके होते हुए वो नहीं आएंगे, और ये बात उनकी अब जुबान पे आ गई है। इन्होंने कहा कि हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से बहुत ज़्यादा खदशा है। इन्होंने कहा कि असम्बलियाँ अपने वक्त पर एक दो रोज़ पहले ख़त्म होंगी और निगरान वज़ीर आज़म के लिए अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, मिल्ट्री और सिविलियन लीडरशिप में अच्छा वर्किंग रिलेशन और एतमाद है। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का मुल्क वापस आना ज़रूरी है, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई उसकी तलाफी और दुरुस्तगी ज़रूरी है, कुछ इतना ज़रूरी नहीं जितना इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ से ज़्यादती की तलाफी ज़रूरी है, मतलब नवाज शरीफ की सिर्फ वापसी नहीं बल्कि उनसे जो ज़्यादती हुई उसकी तलाफी ज़रूरी है। इन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा कि हमें खदशा ये है कि अदलिया का गुड टू सी यू, मतलब चीफ जस्टिस ने जो इमरान खान को कहा था कि गुड टू सी यू, इस चीज़ का ये कह रहे हैं कि हमें खदशा है कि ये सिलसिला किसी और तरफ ना चल पड़े, जो कुछ चंद माह पहले सामने आया था, अदलिया का जो रवैया सामने आया है उसमें दरारें हैं, इस फिजा में कैसे अपने लीडर को हवाले कर दें, मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, मतलब अपने लीडर को हम अदलिया के हवाले नहीं करेंगे, इमरान खान अदलिया के हवाले हो जाए, इमरान खान अल्लाह के हवाले हो जाए, लेकिन हम अपना लीडर अदलिया के हवाले नहीं करेंगे। इस मुल्क के अंदर हमारी अजारादारी है, ये मुल्क हमारा ग़ुलाम है, हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत, हम मईशत का बेड़ा गर्क भी कर दें तो हम पे कोई बात नहीं कर सकता। फिर ये कहते हैं कि हमें एक डेढ़ माह भी मिल जाए तो नवाज शरीफ जो इंतखाबी मुहिम चलाएँगे दुनिया देखेगी, आए हाय, मैं कहता हूं आ ही जाएं नवाज शरीफ साहब, मुहिम करके देख लें, एक दफ़ा दुनिया देख ले, ये शौक नवाज शरीफ का भी पूरा हो जाए, ये चाह नून लीग का भी उतर जाए और कौम का भी उतर जाए, कौम भी बताएगी फिर और कौम देखेगी, रियलिटी आपको भी पता है। तो ये इतने बहादुर हैं, बस थोड़ा अदालतों से डर लगता है, बुजदिली ये है कि आप रोज़ अदालतों के चक्कर लगाएं, जमान पार्क में आप रह रहे हों और कहें कि आओ मुझे पकड़ो और रोज़ अदालतों के चक्कर लगाएँ और अगले इतने बहादुर हों कि आपको अदालत के हाथे में से गिरफ्तार करें वरना आपको गिरफ्तार भी ना कर सकें, बहादुरी तो ये है। बुजदिली तो वाकई इमरान खान पर ख़त्म है, मतलब हिम्मत चाहिए ये बातें करने के लिए। दूसरी जानब दो तीन स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपने ज़ेन नशीन करना है जिससे आपको पूरा मंजरनामा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप देखें कि एक जानब वज़ीर इत्तला'आत कहती हैं कि कौमी असम्बली कब तहरील होगी, अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ। वहीं दूसरी जानब राना सनाउल्ला कहता है कि चेयरमैन पीटीआई को सज़ा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में होगी, हमें इसका नहीं पता। मतलब अब इस मामले पर भी ये डामाडोल हैं और दो चीज़ों की राह में ये रुकावट खड़ी कर रहे हैं, एक ये कि जो डीलिमिटेशंस होनी चाहिए, जो हल्का बंदियां होनी हैं नई, वो ना हो सकें और इलेक्शन डिले ना किए जा सकें, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान के नाम पर काटा रहे या ना रहे, दोनों सूरतों में अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इसमें नुकसान पीडीएम की जमातों का है। वो कैसे? वो इस तरह से कि दो चीज़ें हो सकती हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ज़्यादा वक्त दिया जाए चीज़ों को ठीक करने का, इलेक्शंस मरदमशुमारी जो नई है उसके मरदमशुमारी के तहत डिले किए जाएं, नई हल्का बंदियां हों और फरवरी मार्च में अगर इलेक्शंस चले जाएं तो टाइम मिल जाएगा। इस टाइम में दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि शायद खान साहब से मामलात को ताकतवर हल्के दुरुस्त कर लें, इसका भी इन्हें डर है, चलें ये नहीं भी होता तो इस टाइम के अंदर ये नए लोगों को तैयार करेंगे, इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी को टाइम मिलेगा अपने कदम जमाने का, काफ लीग को ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को ज़्यादा एम्पावर करने का मौका मिलेगा, यानी हर जगह पे तोड़ ढूंढा जा रहा है। अब कह लें कि अल्टरनेट ढूंढे जाएंगे, क्योंकि पीडीएम की जमातों को लगता था कि ताकतवर इमरान खान से लड़े तो इसका डिफेक्टो हमें फ़ायदा होना है, इसके तो बेनिफिशियरी हम ही होंगे, क्योंकि इमरान खान और ताकतवर लड़ पड़ेंगे तो पीछे बचेगा क्या, पीछे तो हम बचेंगे, ताकतवरों की हम मजबूरी बन जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि इन्हें यह नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म बनाने और वज़ीर आज़म चलाने वाले कुछ ग्रुप सामने आएंगे, तो इनकी तो हुकूमत नहीं होगी, इसमें तो एक डमी वज़ीर आज़म बिठाना पड़ेगा जो ये चार पाँच छोटे छोटे ग्रुप्स चलाएँगे, तो ये भी इनके जहन में एक डर है। इसमें ये खुलकर स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी जो रोकी गई जबकि 17 जुलाई तक हकूमत के लोगों को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, 19 तारीख आज हो चुकी है लेकिन इमरान खान अरेस्ट नहीं हुए, और खान का ये अरेस्ट ना होना अब एक सवालिया निशान है। इसलिए राना सनाउल्ला ने कहा कि
चेयरमैन पीटीआई को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में हमें इल्म नहीं है। अब आप देखें कि इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि नई हलका बंदियों के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते, मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव ही नहीं करेगी, और जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव नहीं करेगी, करंट गवर्नमेंट इसे अप्रूव करके नहीं जाएगी, तो फिर इलेक्शन डिले नहीं हो पाएंगे, यानी ताकतवरों के इस मंसूबे को ब्रेक लग जाएगी। अब ताकतवरों का एक और मंसूबा भी है जिससे ये खायफ हैं, जिससे ये डरे हुए हैं, वो क्या है? ये इनके अपने करीबी सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि नून लीग को ये लग रहा है कि ताकतवर ये सोच रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि इलेक्शन डिले करने हो या कुछ और करना हो, उसमें अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो वो आसानी से एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि मईशत ठीक करनी है तो हम आपकी मर्जी का IMF का मंजूर शुदा, इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर शुदा फाइनेंस मिनिस्टर ला देंगे, हम कोई माहिर मईशत बतौर वजीर आजम या टेक्नोक्रेट सेटअप के नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे माहौल बन जाएगा कि इलेक्शन डिले हो जाए। अब ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी, ये इन्हीं की ख्वाहिश जो अभी तक सिर्फ बैकडोर और बंद कमरों में और सहाफ़ियों के ज़रिए या इनके कुछ सोर्सेज के ज़रिए हम तक पहुंच रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट की राह में रुकावट डालने के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या फिर सीनियर सियासतदान जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो उसे बना दें हम वज़ीर आज़म, तो अभी वो ख्वाहिश ज़ुबान पे ला के ताकतवरों को क्लियर मैसेज दे दिया गया है, उनकी राह में कंटेनर खड़ा किया गया है, ताकतवरों के मंसूबे को कांटा लगाया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वजीर दिफा का ये कहना है कि निगरान वजीर आज़म के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर सियासतदान का नाम हो सकता है जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ। नाउ दिस इज़ समथिंग बिग, क्योंकि इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब यह निकलता है कि सीनियर सियासतदान अगर हो तो पीपल्स पार्टी को यह लगता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी लगता है कि वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं सौंपेगा। तो ये जो सफ़ा है अब ये वाजे हो चुका है कि वो एक सफ़ा फट चुका है, चाहे वो मरदमशुमारी को बहाना बना के इलेक्शन डिले करने का मामला हो या फिर किसी माहिर मईशियात को निगरान वजीर आज़म बनवाना हो, इन दोनों रास्तों के दरमियान नून लीग, PDM और पीपल्स पार्टी ये सारे रुकावटें खड़े कर रहे हैं और पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड पे रहे, वाजे मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं और आपकी दाल नहीं गाल सकती, हो सकता है एंड पर सरेंडर करें, ये भी नहीं पता इनका, ये मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि इस टोले से कुछ ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।